कुछ नहीं मिला, सारे के सारे जो रूम से बेकार। गाड़ी में बैठ के आई एम डूइंग माय लिटिल लिटिल मेकअप। ऊपर भी है देखो, पहुंचे हैं सड़क पे, क्योंकि अब हम किसी भी ट्रेन से नहीं जा रहे, किसी और चीज़ से नहीं जा रहे, अब हम लोग जा रहे हैं सीधा बस से। आई फील बस इज़ मोर कम्फर्टेबल, बच्चों को भी बस अच्छी लगती है। अच्छा भैया, थैंक यू अंकल ने हमें पानी की बॉटल आ दी। सो गाइस, फिलहाल हम लोग आ गए हैं बस में। बस में कलरफुल है सब। बस चल भी पड़ी, नाइस। ऊपर भी है देखो, वैसे तो पूरी फुल है लेकिन हमने नीचे वाला लिया है, निकलना घुसना आसान हो जाता है। क्या खा लिया? अरे अभी तो खा लिए, लोग आएंगे ना बेटा। आज खाने की क्या क्या? वाह देखो बढ़िया है भैया। बटन कैसे चलेगी? चल रही है, चार्ज करने की है। लाइट नीली लाइट, लाल लाइट तो जला रखी है। मस्त ऐसा लग रहा है जैसे बस जी डिस्को दीवाने। इसको भी बंद करो ना, लाल लाइट का। अब देखो रोशनी आ गई, सामान रखने की बड़ी अच्छी जगह। हाँ देखो ना कैसे दिया हुआ है, देख इधर रख लिया, मैंने फोन रख दिया यहाँ पर। इधर खाना है, खाना खाएंगे बाद में। इधर रख दे, रखो। सो अभी एक हम रेस्टोरेंट में उतरे हैं और कुछ खाएंगे पहले। बहुत तेज सुसु आई, खादी भंडार भी यहाँ तो। तो जैनेट की डिमांड चालू हो गई, कुछ कुछ तो लेगी, जीना हराम करेंगे अभी मेरा। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वन एंड ओनली जेसिका मिश्रा। दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम अपनी छोटी सी मिनी वैन में बैठे हैं, जो कि मिनी वैन है हमारी बस के अंदर। देखो ना कितनी सुंदर है यार, मर्सिडीज़ की है देखिए। सो मर्सिडीज़ प्रीमियम एलीट। तो वी आर क्वाइट हैप्पी। मुझे तो रास नहीं आया भैया। किसका सफ़र? बस का सफ़र। सो वी डिसाइडेड कि हम कहीं पर भी जाएंगे, विल ट्राई 99.9% बस से जाएंगे, विल ट्राई। अगर हमें बस मिल जाए, नहीं भी मिलेगी तो ऑफ रूट जाके रूट बना के जाएंगे, पर हम बस से जाएंगे। और अभी फ़िलहाल मैंने अपनी पैलेट खोल रखी है, आई एम डूइंग लिटिल लिटिल मेकअप, क्योंकि सुबह हो गई। हम लोग बाहर गए थे मुँह हाथ धोने, बस वाला कहता था 10 मिनट रुकूंगा। हमने कहा भाई तू 10 मिनट रुकेगा, 10 मिनट में क्या क्या कर लेंगे, या तो बाथरूम चले जाएंगे, या दो नमूनों को बाथरूम करा लेंगे, या चाय पी लेंगे। चाय तो पीने को नसीब नहीं हुई, आपको बाहर भी नहीं दिखा भाई, फ़ोन रह गया था। और यहाँ तो पहाड़ पूड़ है बहुत बढ़िया बढ़िया, एक झलक दिखाती हूँ आपको। पहले मैं मेकअप कर रही थी। हाँ। सुनो, आपने कहा है मुझे बर्फ का सफर पसंद नहीं आया। बर्फ का सफर कहाँ है? बर्फ का सफर अभी तो हुआ ही नहीं। बस का सफर आपने कहा? मैंने बोला बस का सफर पसंद नहीं आया। हाँ। हो सकता है। ट्रेन का बोला ही नहीं। नहीं, मैंने ट्रेन बोला था, ट्रेन का सफर पसंद नहीं आया मुझे। बस का सफर बहुत मजेदार है भैया, आराम से मस्त गाड़ी में सोते हुए जाते हैं, इतना मजा आया ना भाई साहब। हमें तो मैंने एडिटिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, और हमारा गड्डी वाला ना ऐसे स्पीड में भगाता है गाड़ी। रात भर मैंने इसी डर में थी भैया कहीं पलट पलट ना दे। शुभ शुभ बोलो। और इसमें ना झटके वगैरह भी ज्यादा नहीं लगते हैं भाई, मर्सिडीज की गड्डी है, कैसे लगेंगे? शुभ 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 शुभ। सो अभी गाड़ी में बैठ के आई एम डूइंग माय लिटिल लिटिल मेकअप। ज़्यादा भी मेकअप नहीं करते हैं ट्रैवल में, हल्का सा, ताकि आप फ्रेश दिखें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर ही लिया हल्का फुल्का। और मैं इस तरह से ना पिछली बार ट्रेन में गई थी तो इस तरह का पाउच आता है जो ब्यूटी फ्रेश सोप स्ट्रिप्स होती हैं, तो ये एक निकालो, मस्त मुँह धो और अपना काम कर लो। आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ता, बड़ा साबुन भी नहीं लेके चलना पड़ता,
जैसे सोप स्ट्रिप्स जो आती हैं वो लेके चला गया, ट्रैवल बहुत अच्छी होती है। सो आई एम गोइंग टू कीप माई ऑल द स्टफ, बहुत सारी चीज़ें निकाल रखी हैं मैंने, ऐसा एक पाउच बना रखा, मैंने इस तरह से एक पाउच बनाया था उसमें सब रखा हुआ है, दिखा इस तरह से मैंने बैग बना रखा है, तो बैग में मैं ऐसे सब चीज़ें रख लेती हूँ, कितना बढ़िया ना। और ये है एक स्काई बैग जो मैं भी वेस्ट पे लगाऊंगी, अभिनव का ही है, अभिनव सेट इस पर ये ले ले क्योंकि अभी स्लिंग नहीं लेके चली मैं, तो इसमें मेरे सारे सामान आ जाएगा, उसमें फ़ोन भी आसानी से रख के शूट के लिए यूज़ कर सकती हूँ, चीज़ों को जितना हो सकता है ना मिनिमाइज कर रहे हैं। हाँ देखो ना, सिर्फ दो बैग लेके हम पूरा स्लिंग लेते थे तो यूटिलिटी अच्छी है उसकी, लेकिन एक एक्स्ट्रा बैग हो जाता है, लेकिन ये जो वेस्ट बैग होता है ये काफ़ी अच्छा रहता है, ये वेस्ट होता है और वेस्ट की तरह वेस्ट भी होता है किसी काम का नहीं, लेकिन हाँ सारे काम भी पूरे हो जाते हैं। हाँ मत कर बेटा, गैस ख़त्म हो जाएगी। सो इस बार हम सिर्फ ये दो बैग लेके आए हैं और ये दो बैग का सफ़र हम पूरा, ये दो बैग को लेकर चलेंगे पूरे सफ़र में, और हमारा सफ़र होने वाला है महाउज्जैन महाकाल। हम ये दो बैग लेके आए हैं और इन्हीं दो बैग के अंदर हम महाकाल जाने वाले हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत आगे आगे जाने वाले हैं हम। आई थिंक वी आर थिंकिंग कि 10 से 15 दिन का वापस से टूर बनाएं। अब वो 10-15 दिन का बनेगा या ज़्यादा बनेगा वो देखने के लिए तो आपको व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। चार्जिंग टूट जाएगी इनकी, बोल रहा है पूरे चार्जर हो गया, आते हैं बाल काटूं। सो गाइस मैं फटाफट दिन की फटाफट सारे काम कर लेते फिर आपसे मिलते, फिलहाल बाहर एक छोटा सा सीन दिखा। सो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं उज्जैन, और अब हम नाउ वी आर सर्चिंग फॉर दी होटल्स। सो पहले कुछ खाना खाते हैं। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे ना होटल्स अच्छे नहीं है और बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है किसी भी होटल की। दे आर चार्जिंग लाइक 5 स्टार बट दे आर गिविंग इवन अ विदाउट एनी स्टार। खान दो एनीथिंग। सो फाइनली गाइस हम लोग आए हैं एक और होटल में, जब तक यहाँ पे एक भी सिंगल होटल पसंद नहीं आया, लेट्स सी अब ये कैसा होता है। रेट्स ऑल्सो हाई बट लेट्स सी। सो हमने 2-3 रूम देख लिए और दिस वन इज़ ओके, विल नॉट से कि बहुत अच्छा है, बट हाँ बाकी के कंपैरिजन में तो ठीक सा ही है, बट अब रेट ठीक लग जाए। चलो मुझे अब रूम अच्छे देखने पड़े हैं क्योंकि उनके रेट भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, और रूम देखते हैं अच्छे तभी मिलेंगे जब आप रेट ज़्यादा पे करें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कम प्राइस वाले रूम हैं वो सारे पैथेटिक हैं। और उज्जैन में जो अच्छे होटल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, बियॉन्ड मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पता नहीं मैंने इतना तो कितने चारा ने कि मुर्गी कैसा कुछ बोलते हैं ना, चारा ने कि मुर्गी मसाला जो भी आप समझ लो वैसा सीन हो गया, क्योंकि इतनी तो मतलब मेरा आने का नहीं हुआ जितना मेरे यहाँ पे होटल्स में आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है गाइस। तो नाउ इट्स लाइक कि वी आर गोइंग टू स्टे फॉर 2 or 3 days देन विल मूव इन। बहुत गर्मी है यहाँ पे, दोपहर का टाइम है, पीक है, दोपहर नहीं है अभी तो 10:30 हुए हैं बताओ। चलो ये अच्छा है कि हमें पूरा दिन यूटिलाइज करने को मिलेगा होटल में, शाम को हम लोग घूमने निकलेंगे। यहाँ की मार्केट देखी है, उज्जैन की मार्केट, उज्जैन की सड़कों पे घूम रहे हैं, हमने कोई सड़क नहीं छोड़नी है। अभी तक आपको दिल्ली की सड़क नहीं दिखाई कि हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ रहते हैं, वो भी कभी आपको दिखाएंगे, है ना, घर लेके चलेंगे कभी आपको, फिर कभी मैं चाहूँगी आपको केरला भी घुमाना, केरला भी बहुत खूबसूरत है। सो गाइस देखिए यहाँ पे भेड़, ये भेड़ थी कितनी प्यारी थी ना, अरे तुम लोग गधे हो गधे, गधे और गधे माँ को मारती है। अगर उन्होंने तुझे छू लिया तो फिर तेरा क्या होगा सांबा। हाँ देखिए यहाँ के ओल्ड पीपल, पुराने लोग देखिए, मम्मा इधर भर के मुर्गियां पड़ी
चक्की, उज्जैन की चक्की, उज्जैन की ईटें। आज तो होटल देखने गए दिन है, अब एक और होटल देखने आए हैं। इसके रूम में मुझे सो लगे, सो मतलब अच्छे हैं। कुछ नहीं मिला, सारे के सारे जो रूम से दिखा रहे। तुम सोचो ना, 25 गज में तो होटल बने हैं, अब 25 गज में तो होटल बना, उसका कमरा कितना छोटा होगा।